देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 9 सितंबर 2021 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर एक, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 17 नए मामले, मौतें कोई भी नहीं, 15 रिकवरी दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 151 है। नंबर दो, पश्चिम बंगाल में आज 751 नए मामले आए हैं, 841 लोग रिकवरी हुए हैं, 9 मौतें दर्ज की गई हैं, सक्रिय मामले 8288 हैं। नंबर तीन, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 37 नए कोविड-19 मामले, 36 रिकवरी और 2 मौतें दर्ज की गई हैं, सक्रिय मामले 319 हैं। नंबर चार, हरियाणा में आज 17 नए कोरोना के मामले, 32 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई है, सक्रिय मामले 607 हैं। नंबर पाँच, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 329 नए मामले आए हैं, 307 रिकवरी हुई है और 1 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, सक्रिय मामले 5497 हैं। नंबर छह, आसाम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 427 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 582 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, राज्य में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 4951 है। नंबर सात, कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1102 नए मामले आए हैं, 1458 रिकवरी हुई है और 17 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, राज्य में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 17058 है। नंबर आठ, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 12 नए कोरोना के मामले, 34 रिकवरी दर्ज की गई है, इस दौरान कोई भी मौत नहीं हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 349 है। नंबर 9, तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 1587 नए कोरोना के मामले, 1594 रिकवरी और 18 मौतें दर्ज की गई हैं, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 16180 है। नंबर 10, पौंडीचेरी में आज 125 नए कोरोना के मामले, कोई भी मौत नहीं, 113 रिकवरी दर्ज की गई है, सक्रिय मामलों की संख्या 986 है। नंबर 11, गोवा में कोरोना के 86 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से 82 लोग ठीक हुए हैं और 2 मौतें हुई हैं, सक्रिय मामले 856 हैं। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1361 नए मामले सामने आए हैं, 1288 रिकवरी हुई हैं, इस दौरान 15 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 14510 है। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 12 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 10 लोगों की डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है, सक्रिय मामले 82 रह गए हैं। नंबर 14, केरल में आज कोरोना वायरस के 30196 नए मामले आए हैं, 27579 रिकवरी हुई हैं, 181 लोगों से कोरोना की मौत हुई है, राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 239480 है। नंबर 15, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 16 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, 6 ठीक हुए हैं, सक्रिय मामलों की संख्या 137 है। नंबर 16, झारखंड में कोरोना संक्रमण के 14 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, 11 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और कोरोना से कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है, सक्रिय मामले 129 हैं। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में आज 163 नए कोरोना के मामले, 138 रिकवरी, 4 मौतें दर्ज की गई हैं, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1703 है। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 268 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 269 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 3164 हैं। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटे में 19 नए कोरोना के संक्रमण के मामले आए हैं, 8 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, इस दौरान 1 मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 64 हैं। नंबर 20, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 762 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 574 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 8 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 6279 हैं। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 54 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 98 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 647 हैं। नंबर 22, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 4174 नए मामले आए हैं, 4155 रिकवरी हुई है और 65 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, सक्रिय मामले 47880 हैं। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 16 नए मामले सामने आए हैं, 28 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और 1 भी मौत नहीं हुई है, सक्रिय मामलों की संख्या 214 है। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 41 नए मामले सामने आए हैं, 13 रिकवरी हुई हैं, इस दौरान कोविड से 1 भी मौत नहीं हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 414 है। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 77 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 70 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 1 की मृत्यु दर्ज की गई है और सक्रिय मामले 617 हैं। नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 48 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 22 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है, सक्रिय मामले 390 हैं। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 151 नए कोरोना के मामले, 163 रिकवरी और 1 मौत दर्ज की गई है, केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 1251 है। नंबर 28, मेघालय में कोरोना संक्रमण के 191 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 228 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 4 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 1888 है। नंबर 29, मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 1214 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 421 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 11564 हैं। तो ये थे आपके राज्य के 24 घंटे के कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा भी किसी और राज्य की आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।